शुभ प्रभात छात्रों, आज मैं पुनः आपको पी प्रवास के पवन भूतिका के कुछ बचे हुए पद्यांशों का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, आप अपने साथ पुस्तक लेकर बैठिएगा और ध्यान से मेरे साथ वाचन करते हुए व्याख्यान को ध्यान दीजिएगा। बच्चों, तो हम ध्यान देंगे। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो में उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। बच्चों, तो इस वीर प्रसंग के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि राधा रानी ने इसमें कदम के पुष्प के माध्यम से अपने विरह को वर्णन कर, विरह का वर्णन करती है। ध्यान देंगे, धीरे लाना वहन करके नीम का पुष्प हुई। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, हे मेरे प्यारे पवन, तुम धीरे से अपने साथ नीम, नीम भी होता है कदम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कदम के डाल पर कृष्ण की लीलाएं हुआ करती थी, कदम के पुष्प कृष्ण को भी बहुत पसंद थे, तो इसलिए राधा ने इसमें पवन से आग्रह किया है कि तुम अपने साथ कदम के पुष्प को कोई लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं उनके सामने, दृग मिश होता है आँखों के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, तुम ऐसे उनके सामने डालना कि वह आशंकित हो, उसमें शंका हो कि कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो, कि कैसे विरह वश में मेरी राधा इसी प्रकार रोमांचित हो रही होगी, जैसे कि पुष्प है वो मुरझाया हुआ है लेकिन जब उसको थोड़ी सी मतलब कि कदम का पुष्प पीला कलर का लगभग होता है तो किस प्रकार वह विरह पीली पड़ रही है लेकिन फिर भी आपके सामने आ करके थोड़ी सी खुश हो रही है। बच्चों आगे देखेंगे, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, आप तुम्हारे सामने बैठे जिस विटप, विटप मीन्स होता है वृक्ष, श्याम जिस वृक्ष के पास बैठे हो, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, तो कोई पत्ता उसमें से तुम लेना और उनकी आंखों के निकट उसको हिलाना अपनी हवा के वेग से, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, और तुम उनको ले जा करके विदित करना, यूं प्यारे को, यूं मेरे श्री कृष्ण को तुम विदित करना, उनको बताना, उनको ज्ञान दिलाना, अपनी चतुराई से इस प्रकार उनको विदित कराना, ज्ञान कराना कि मेरे चित्त विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि जिस प्रकार से ये पत्ता कांप रहा है उसी प्रकार से आपकी चिंता में, आपके विरह में आपकी राधा रानी कांप रही है, हो सके उनको मेरी याद आ जाए, तो इस प्रकार चतुराई से उनके सामने उस पत्ते को हिलाना। बच्चों आगे इसमें देखेंगे आप कि जो आपकी भाषा है वह आपकी खड़ी बोली है, खड़ी बोली दिखाई दे रहा है सब में, और अंदर शब्द शक्ति है, जो अलंकार है इसमें उपमा है, अत्यानुप्राश है, और गुण जो है प्रसाद है, वियोग जो है श्रृंगार है, और मानवीकरण अलंकार भी इसमें है। बच्चों अगले पद का हम सस्वर वाचेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। सूखी जाती मलिन ललिता जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ना गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख दे नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे
मेला उशेरी धीरे धीरे संभल रखना उन्हें बताना पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा ध्यान देंगे प्रसंग के अंतर्गत इसमें आप कह सकते हैं कि लताओं के माध्यम से नए पत्तों के माध्यम से राधा रानी अपने विरह का वर्णन इस प्रसंग इस पद्यांश के अंतर्गत करती हैं। बच्चों ध्यान देंगे सूखी जाती मलिन मृतिका को धरा में पड़ी हो। राधा जी कहती है पवन से यदि कोई सूखी लता लता भी होता है कि डाली इसमें जी प्रकार से कि यदि कोई सूखी लता हो और वह धरती पर पड़ी हो तो पांव के निकट उसको श्याम की ला गिराना तो तुम उसको अपनी हवा के वेग से श्री कृष्ण के पैरों के पास उसको ला करके धीरे से गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और शुभते लिप्त जाना। तो यूँ सीधे से प्रकट कर तुम उस हिसाब से उसे सीधे से यह बात प्रकट कर सकती हो कि मैं आपके विरह में मैं किस प्रकार आपकी राधा रानी आपके विरह में इसी लताओं की भांति सुंदर लताओं की भांति है लेकिन वह धीरे धीरे जैसे ये लताएं सूखती जा रही हैं वैसे आपके विरह में वह भी सूखती जा रही हैं मलिन होती जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के द्विगुबल की शाम मेला उसे ही। यदि कोई पत्ता जो नया नया पत्ता निकल रहा हो और पीत हो रहा हो यानी कि पीले रंग का हो रहा है जैसे कि पेड़ों में कुछ पत्ते जो पीले हो जाते हैं तो यानी कोई तरु कोई पत्ता जो है वह तरु यानी पेड़ में कोई पत्ता यदि पीला हो गया हो तो प्यारे के द्विगुबल के शाम मेला उसे ही। तो तुम प्यारे के मेरे श्री कृष्ण के सामने उसको लाते उसको हवा के वेग से लाना धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना उसको धीरे धीरे तुम अपने हवा के हिसाब से उसको धीरे धीरे ला करके उनके सामने रखना और उनको यह बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा कि इसी प्रकार से आपकी जो राधा है वह इसी प्रकार आपके विरह में पीली पड़ती जा रही है जिस प्रकार से यह हरे भरे पेड़ में एक पत्ता पीला हो गया उसी प्रकार सब कुछ रहते हुए भी आपके बिना आपकी राधा रानी पीली होती जा रही हैं। बच्चों तो ध्यान देंगे इसमें आप कला पक्ष के अंतर्गत बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि इसमें राधा रानी ने अपनी विरह का पत्ते से तुलना करते हुए बड़े ही मार्मिक सचित्र वर्णन किया है जो विरह की पराकाष्ठा को परिलक्षित करता है। अगला आप देखेंगे ये जो आपका काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो कला पक्ष आता है भाव पक्ष के अंतर्गत आप इस बात को लिख सकते हैं कि राधा रानी बड़े ही मनोरम तरीके से पत्ते के माध्यम से अपनी विरह का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। और अगले आप उसको जब आप उसका कला पक्ष में आप देखिए ध्यान से तो इसमें आपका सबसे पहली बात की खड़ी बोली है। खड़ी बोली तो सभी में है मार्मिकरण अलंकार तो सभी में क्योंकि जो हवा है उसको मानव की भांति संदेशा दिया जा रहा है जिससे मानवीकरण अलंकार हो रहा है। जो शब्द शक्ति है वो कविता है और जो गुण है प्रसाद है वियोग श्रृंगार है। अब हम थोड़ा सा अलंकार को ध्यान देंगे जैसे दिया हुआ है इसमें धीरे धीरे जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है तो वह आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। फिर आप देखेंगे कि ये नव तरु का पीत हो इस तरीके से आप देखिए तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो बच्चों इसका भी व्याख्यान हमने समाप्त किया।